પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તામાં શિક્ષક દંપતિને નર્મદાએ બોલાવ્યા હોય આભાસ થતા વૃક્ષના તીર્થના દર્શને આવ્યા છે પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તા શહેરમાં રહેતા અને વ્યવસાય પ્રોફેસર એવા સાઉન મુખપાધ્યાય એક કોલેજમાં સ્પેનિશ લેંગ્વેજ ભણાવે છે જો નાના હતા તે સમયે તેઓના માતા પિતા સાથે ભરૂચ જિલ્લામાં આવ્યા હતા જે બાદ સમય જતા તેઓ કોલેજમાં હતા તે સમયે ટીવી ઉપર ઓમકારેશ્વરના દર્શન નામનો એક કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો જે કાર્યક્રમને જોઈ તેઓએ મન બનાવી લીધું હતું કે નર્મદા મૈયા તરફ તેઓનો ખિચાવ વધુ મજબૂત બન્યો હતો બસ પછી તો શું થાય તેઓના લગ્ન થયા બાદ તેઓના પતિના સંબંધી મધ્યપ્રદેશના અમરકંટક નજીક આવેલા બિલાસપુરમાં રહેશે જ્યાં તેઓ પતિ સાથે ગયા હતા તે સમયે ઓમકારેશ્વરથી પ્રથમ શરૂઆત થઈ નર્મદા મૈયાના દર્શન કરી સાવન મુખ ઉપાધ્યાય ધ્રુસ્કેર ને ધ્રુસ્કે રડી પડ્યા જાણે પોતાની માતાને મળતા હોય તેવો તેમને આભાસ થયો હતો સૌમુખ ઉપાધ્યાય તેઓ પોતાના પતિ સાથે ઓમકારેશ્વર જબલપુરનો પ્રવાસ કર્યા પછી બરોજ અંકલેશ્વર આવવાની તીવ્ર ઈચ્છાઓ વચ્ચે નર્મદા નદીના કિનારે આવેલ વિવિધ તીર્થોના દર્શન કરવા નીકળ્યા હતા આ દંપતી ઓગણીસો પચાસમાં શૈલેન્દ્ર ઘોસલ શાસ્ત્રી લિખિત તપોભૂમિ નર્મદા પુસ્તકને વાંચી નર્મદા મૈયાના દર્શને નીકળવું છે આ તપોભૂમિ નર્મદાના પુસ્તકને સહારે દંપતી નર્મદા નદીના કાંઠે આવેલા તીર્થોના દર્શન કરી તેનું નોંધ લઈ રહ્યું છે પુસ્તકના સમય બાદ હાલ બદલાવ જોવા મળી રહ્યો હોવાનું પણ દંપતી જણાવી રહ્યું છે પરંતુ પુસ્તકમાં લખાયેલ શબ્દો મુજબનું વર્ણન જાણે કે આજે જ પુસ્તક લખ્યું હોય તેવો પણ આભાસ દંપતીને થઈ રહ્યો છે નર્મદાની પરિક્રમા કરતા પરિક્રમા વાસીઓની વિશાળ સંખ્યા તોતેર વર્ષે આજે પણ એટલી જ માત્રામાં હોવાથી તેઓ જાણે પોતાની માતા પાસે આવ્યા હોય તેવો અનુભવ કરી રહ્યા છે પુરાણોમાં કહેવાયું છે કે નર્મદા નદીની પરિક્રમા રેવાના સાક્ષાતકાર કરાવે છે તેથી જ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના ટુરિસ્ટ ગાઈડ સાવન મુખોપાધ્યાય નર્મદા મૈયાના અને નર્મદા નદીના કાંઠે આવેલા તીર્થોના દર્શન કરી પોતાની ખુશીમાં તરબોળ થયા છે જી નમસ્તે मेरा नाम शाउन मुखोपाध्याय है मैं कलकत्ता से हूँ और मैं एक कॉलेज में स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ाती हूँ उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूरिस्ट गाइड भी हूँ हाँ ये यहाँ पे आना मेरी दूसरी बार भी है ये आ, पहले बात तो ये है हिंदी के लिए माफ़ी चाहती हूँ थोड़ा सा भूल चू हो सकती है क्योंकि मैं बंगाल से हूँ बहुत छोटी थी तब भरुच आई थी और अंकलेश्वर भी आई थी लेकिन उस वक्त शायद माँ ने हमको देखा था हमने तो कुछ समझा नहीं उनके महत्व के बारे में फिर पता नहीं क्या हुआ जब कॉलेज में थी तब टी में एक प्रोग्राम देखा था वहाँ पर ओंकारेश्वर की दर्शन हुई थी तो उसके बाद कुछ खिंचाव सा महसूस होता था उनके बाद उसके बाद इनसे शादी हुई और इनके रिश्तेदार जो थे वो बिलासपुर में रहते थे, थे जो अमरकंटक के बिल्कुल नज़दीक है तो उसके बाद वहाँ पे जाना हुआ उसके बाद वहाँ के जाने का इच्छा थी लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि पहली शुरुआत ओमकारेश्वर से हुई तो ओमकारेश्वर गए उसके बाद इतना खिंचाव पता नहीं ओमकारेश्वर में क्या हो गया कि मैया को देखिए बहुत रोई थी उस वक्त लगा था कि अपनी माँ से जुड़ रही हूँ तो वो एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था हर वक्त वो मुझे बार बार माँ के पास लाते गए वो खिंचाओ और ये महसूस होता गया कि पता नहीं मैं माँ से उतना प्यार करती हूँ कि नहीं माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है हाँ क्योंकि वही खींच के लाती है वही सब करती है उसके बाद से शुरू होके ओम अमरकंटक फिर होशंगाबाद फिर अ वो ओमकारेश्वर जब गए थे तभी महेश्वर भी गए थे तो उसके बाद जबलपुर भेदा ये सब हो गया था और बहुत इच्छा थी कि एक बार भरुच या अंकलेश्वर में आए और ये जो तीर्थ स्थान है उनके बाद आसपास में ये सब के दर्शन हो जाए क्योंकि तब जब आए थे ये ज्ञान नहीं था कुछ अब भी अज्ञान ही है फिर थोड़ा बहुत किताबों में जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा बहुत जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इन सब जगह का दर्शन करना था क्योंकि अब थोड़ा सा समझ में आया है कि माँ क्या होती है तो इसलिए आए हैं और वहाँ का बंगाल में तो ऐसे बहुत साल पहले 1950 में शैलेंद्र घोषाल शास्त्री महाशय आए थे उनके पिता के आदेश थे कि वो नर्मदा जी का परिक्रमा करे उन्होंने एक किताब लिखी थी लौट के उसका नाम है तपोभूमि नर्मदा बंगाल में नर्मदा मैया के बारे में जितना भी जानकारी है वो उसी किताब से मिलती है पर इतने साल बीत गए बहुत कुछ बदल चुका है हाँ इसका जोग्राफी भी बहुत कुछ बदल चुका है तो इसलिए यहाँ पे आके थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही थी लेकिन अजीब से संजोग बनता गया और हमको जो जो मंदिर दिखना था मैया ने सब दिखा दिया लग ये लग है में आके आपको। बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे पढ़ के आए थे जैसे माहौल एक दिमाग में होता है ना कहीं पे आप पढ़ के आते हो वही है यहाँ पे इतने परिक्रमावासी आ रहे हैं रास्ते में जब आ रहे हैं देख ले देख रहे, देख रहे है परिक्रमावासी परिक्रमा कर रहे हैं और आगे जाके यहाँ पे इतना मतलब कोई दर्शन करने के लिए आते हैं तो इतना सब खुश होते हैं इतना अपनापन है और ऐसे के लगता है कि ना अपने माँ के पास आए हैं लगता नहीं कि अलग से कोई देवी माँ है वैसे अंदर जैसे कि अपनी माँ है वही माँ है बस यही एक है मैं इनको अपनी ही मां मानती हूं मेरे लिए यही नर्मदा माए यही सब है